हेड और अभिषेक के आगे लखनऊ के नवाब हुए ढेर, 10 विकेट से हार का लग गया बड़ा फेर। हेड ने दिया हेडेक तो शर्मा जी के लड़के ने लूट लिया चैन, लखनऊ की हार पर कप्तान राहुल हुए बेचैन। हेड अभिषेक के तूफान में उड़ गए लखनऊ के गेंदबाज, हैदराबाद के नवाब बन गए मैच के सरताज। इसे कहते हैं धोबी पछाड़ धुलाई। जी हां, हैदराबाद ने लखनऊ को ऐसे धोया कि अब तो LSG के कप्तान KL राहुल को सपनों में भी ये हार डराने वाली है। हम आपको बताएंगे कि लखनऊ की बुरी तरह धुलाई आखिर कैसे हुई, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टॉस जीतकर लखनऊ ने पहले बैटिंग कर कैसे अपनी हार की नींव रख दी। हैदराबाद का होम ग्राउंड था जहां पहले बैटिंग करते हुए पिछले कुछ मुकाबले में रनों की बारिश हुई थी, लिहाजा जब टॉस लखनऊ के कप्तान KL राहुल ने जीता तो उनकी भी यही तमन्ना थी ढेर सारे रन बना दिए जाएं, लेकिन ऐसा हो ना सका। पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ ने अपने 20 ओवर के कोटे में 4 विकेट के नुकसान पर महज 165 रन बनाए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पिच में बदलाव हो चुका है, पिच बैटिंग के लिए इतनी आसान नजर नहीं आ रही थी। कप्तान KL राहुल ने 29 रनों की धीमी पारी खेली और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का शिकार बने। डिकॉक से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो भी महज 2 रन पर पवेलियन चलते बने। स्टोइनिस भी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार नहीं रख सके और महज 3 रन पर चलते बने, लेकिन बाद में आयुष बड़ोनी और निकोलस पूरन के बीच एक शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप हुई। कृणाल पांड्या ने भी अच्छे हाथ दिखाए। कप्तान KL राहुल ने तो सोच ही लिया होगा कि वो 165 रन को डिफेंड कर ही लेंगे, लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। अभी तो शर्मा जी के लड़के का तूफान आना था। ट्रेविस हेड भी हेडेक देने को पूरी तरह तैयार खड़े थे। हुआ भी ऐसा ही, 166 रन के टारगेट को हासिल करने में SRH के बल्लेबाजों ने पूरे 10 ओवर भी नहीं लगाए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच 167 रनों की तूफानी पार्टनरशिप हुई। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 89 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 8 छक्के लगाए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा महज 28 गेंद में 75 रन ठोक डाले। इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए। दोनों ने पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के और चौके लगाने शुरू किए। इस तरह से हैदराबाद ने 62 गेंद बाकी रहते और 10 विकेट से इस मैच को जीत कर नया कीर्तिमान बना डाला। 166 रन के टारगेट का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने 4th ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और पावर प्ले ओवर गेम खत्म होने तक टीम 107 रन बना चुकी थी। एक तरफ ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों में 50 पूरी की, वहीं अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक पूरा करने के लिए 19 गेंदें खेल डाले। हेड और अभिषेक की बैटिंग देखकर तो ऐसा लगा कि वो गेंदबाजों का भूत बनाने का मन बनाकर मैदान में उतरे थे। हैदराबाद की पारी में 10 ओवर भी पूरे नहीं फेंके गए थे, इनमें से 7 ओवर ऐसे रहे जिनमें 15 या उससे ज्यादा रन बनाए। इसे कहते हैं धोबी पछाड़ जीत जो हेड और अभिषेक शर्मा ने कर दिखाया। मैदान के हर तरफ चौके छक्कों की इस कदर बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था कि दर्शक किसी मैच की हाइलाइट्स देख रहे हों। अब तो इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वहीं अब तो लखनऊ की टीम को उसके बाकी के बचे मैच जीतने बेहद जरूरी है। इस मैच के रिजल्ट से एक चीज साफ हो गई है कि मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। बाकी की 9 टीमें अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अब SRH इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुकी है। LSG की टीम अब तक पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के नीचे होकर 6th नंबर पर पहुंच गई है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने अगले 2 मैचों में पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करनी होगी। हैदराबाद की इस बड़ी जीत के नायक कहा जाए तो बेशक ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 166 रन के टारगेट को अपनी बैटिंग के आगे बोना साबित कर दिया। ये पहली बार है जब हैदराबाद ने IPL में लखनऊ की टीम को मात दी है, वो भी रिकॉर्ड 10 विकेट और 10 ओवर के अंदर जीत के साथ। जहां एक तरफ LSG के बल्लेबाज इस पिच पर रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उनके top 3 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 100 से कम था, वहीं अभिषेक और हेड ने LSG के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा और सब पर कम से कम 14.50 की रन रेट से रन बनाए। ये IPL में 10 ओवर के भीतर सबसे बड़ा और 150+ का सबसे तेज रन चेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।